पर आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आपने बड़े बड़े नेताओं को, बिजनेसमैन को, दुकानदारों को नेता बनते तो देखा होगा, लेकिन एक पहले ऐसे ठेला लगाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं जो नेतागिरी का पर्चा भर चुके हैं, यानी इन्होंने चौथी बार गुरुग्राम लोकसभा का पर्चा दाखिल किया है और दो बार विधानसभा का भी पर्चा दाखिल कर चुके हैं, लेकिन उसमें विजय इनको नहीं मिल पाई। अब चौथी बार इन्होंने गुरुग्राम विधानसभा से पर्चा दाखिल किया है, प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने गुरुग्राम विधानसभा से पर्चा दाखिल कर दिया है। ये बिहार से आए थे और गुरुग्राम में करीबन रहते हुए इन्हें 26 साल हो गए आपको, करीबन 1996 से गुरुग्राम में हैं और पाव भाजी बेचने का काम कर रहे हैं। इससे पहले ये मुंबई में गए थे अपनी किस्मत आजमाने, लेकिन किस्मत सिर्फ पाव भाजी में आजमा चुके, क्योंकि वहाँ पर ये पाव भाजी का काम सीख कर आए और इसी से ये मशहूर हुए बॉम्बे की पाव भाजी। यहाँ इतने सालों से पाव भाजी बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन देश में बदलाव के लिए पहली बार इन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था कि देश में कुछ बदलाव हो सके, लेकिन अब पहली बार करते हुए अब चौथी बार इन्होंने पर्चा दाखिल किया है। देखते हैं इनका पर्चा दाखिल करने के बाद देश में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुशेश्वर भगत। कुशेश्वर जी, हाँ जी, कब गुरुग्राम में आप आए थे और गुरुग्राम में आए जब क्या था यहाँ पर? मैं कुशेश्वर भगत, जब मैं गुड़गांव आया था उस टाइम 96 में आया था, उस टाइम छोटा सा एक गुड़गांव हुआ करता था, लेकिन जब मैं यहाँ रहने लगा दो चार दिन, मार्केट गया, बाज़ार का हाल देखा, तो हमें यहाँ के लोगों से अच्छा लगा, बोलने का ढंग विचार, लोगों ने पैसे भी दिए मुझे रेहड़ी लगाने के लिए, तो मैंने दुकान चालू कर दिया। जब कुछ दिन हो गया, साल दो साल निकल गए, फिर इलेक्शन आ गया। इलेक्शन में हमने सोचा कि कुछ करूं पब्लिक के लिए, ताकि देश दुनिया की जो मैंने हालत देखा था बहुत करीब से देखा हूं। किससे आपको विचार आया, कैसे विचार आया कि देश में मतलब क्या बदलाव चाहते थे जिसके लिए आपने प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किया? मैंने ये देखा कि लगातार आज पाँचवीं बार से लोकसभा इलेक्शन एक ही कैंडिडेट जीत रहे हैं गुड़गांव में, लेकिन वो 5 साल में एक बार दिखते हैं, 1 महीने के लिए, बाकी टाइम नहीं दिखते हैं पब्लिक के बीच में। तो और जो यहाँ पे समस्या है 9 विधानसभा में, गुड़गांव 9 विधानसभा में 900 समस्या है, जिसमें कि सबसे पहला स्वास्थ्य, सफर और शिक्षा, ये 3 मुद्दा तो मेरा बहुत फेवरेट है, इस पर मैं सबसे ज़्यादा गौर करूँगा, क्योंकि गुड़गांव में हॉस्पिटल जो है एक हॉस्पिटल है 12 लाख की आबादी में, और शिक्षा गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है, और सफ़र में भी कई तरह की कठिनाइयाँ हैं, साफ़ सफाई में कई सालों से मैं देख रहा हूँ नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी हमें जब प्रशासन को कॉल करते हैं तब जाके आते हैं, और सब जितने नेता है काम पे ध्यान नहीं देता। और रही बात फिल्म स्टार की, तो फिल्म स्टार के पीछे नहीं जाना चाहिए, वो एक में अपने आयशो आराम के लिए खड़े होते हैं, और बाकी काम करने वाले हम हैं जो जमीन से जुड़े हैं और देखते हैं, सारा समस्या को समझते हैं। आज 25 सालों से या 96 से मैं देख रहा हूँ समस्या, उन समस्या पे मेरी पूरी समाधान रहेगी। पार्लियामेंट इलेक्शन में पब्लिक ने हमें इतना बोल दिया, 12 लाख वोटों से भगत जी जीतोगे आप, और पब्लिक का जहाँ भी जाता हूँ हर कोई कहता है जितवाएंगे भगत जी को। अब पार्लियामेंट जाने के बाद मैं कानून ऐसे बनाऊँगा ताकि किसी भी नागरिक को ऐसा समस्या ना हो कि हर किसी चीज़ से जूझना पड़े। आपको ये विचार कैसे आया, क्योंकि आपने बताया कि 5 साल में एक बार हमारे जो मौजूदा सांसद है एक बार आते हैं, यानी जो कई गांव में मैंने सुना कि वो आते हैं 5 साल में एक बार अपनी रील बनाने, हाँ जी, ये कहेंगे। दूसरा, एक हमारे बीच एक प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं, वो फिल्म स्टार है, फिल्म अभिनेता है, तो आप तो बॉम्बे भी रह के आए, आपने तो इनको करीब से देखा होगा। करीब से देखा हूं, सर। तो करीब से देखा है, फिर भी इनके बारे में कुछ बताइए ना। इनके बारे में हम यही जानना चाहते हैं कि जैसे फिल्मों की जो अब हमने शूटिंग देखी थी, चाहे राज बब्बर हो, अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, चाहे आपको यश चोपड़ा की, हमने कई फिल्म बनते हुए देखा है, और आप इनकी तो यही है कि इन पर ध्यान नहीं हो देता। इससे पहले बहुत सारे फिल्म स्टार पड़े राज्यसभा में,
बोलते तक भी नहीं, कभी कभार जाते बैठ के उठ के आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट का नुकसान ही है। आपका कहने का मतलब ये है कि फिल्म स्टारों पे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अपना फिल्म कैरियर बनाना चाहते हैं, फिल्म में कैरियर बन गया उसके बाद नेता बन जाते हैं, और नेता बनने के बाद लोगों की समस्या सुनते नहीं। क्या जरूरत है इनको सुनने की, ना तो मेहनत देखी, ना धूप देखा, ना छांव देखा, एसी में परे रहना बस। अब आप बताइए, आपने पर्चा दाखिल किया, अगर आप जीत जाते हैं इस लोकसभा सीट से, तो आप देश में क्या बदलाव करेंगे और क्या चाहते हैं कि हमारी जनता कैसे खुश रहेगी, क्या उनके लिए काम करेंगे? हम जनता के लिए इस तरीके से रखेंगे जो कि हम जनता के बीच में रह रहे हैं। समस्या बहुत बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य का, सफ़र का, शिक्षा का। अब बाकी साफ सफाई पर काफ़ी सारे हैं, और कई जगह लाइट नहीं, टूटी सड़कें हैं, कई जगह काफ़ी कुछ है जो लोगों को जूझना पड़ता है। आपने कितने साल से आप गुरुग्राम में रह रहे हैं, आपने बताया 96 से? हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले आप बॉम्बे रह के आए, बॉम्बे में आपने फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई किया? फिल्मों में हमने ट्राई करने के लिए कोशिश तो किया था, लेकिन हमने वहाँ भी देखा जो पैसे वाले हैं वो एक लाइट कैमरा उठा के इधर से उधर भागते हुए देखा, तो हमारा नंबर कहाँ से आनी। इसलिए हमने पाव भाजी सीखा, जो आज हमारे इसी से दाल रोटी चल रही है, इसी से गुजारा हो रहा है, इसी से मैंने 5 इलेक्शन लड़ चुके हैं। 5 इलेक्शन आप पाव भाजी बनाते बनाते लड़े हैं, यानी ये कहा जाए कि आप दिन में अपना प्रचार करते हैं घर घर जाकर, और इसके बाद शाम को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वापस यहीं पे इसी ठेले पर आ जाते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, 5 बजे। और इस 2022 में भी राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन दिया था, जिसमें कि दिल्ली से 36 विधायक ने मेरे सपोर्ट में था, और 2017 में भी हमने राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन दिया था, जो कि 7 MLA था, जबकि इसमें 100 MLA का साइन होना चाहिए, चाहे MP हो, MLA हो या राज्यसभा का मेंबर हो। 100 मेंबर अगर साइन कर दिए तो मैं राष्ट्रपति इलेक्शन में भाग ले सकता हूँ। अगर इतने MLA नहीं होते हैं या इतने संसद नहीं होते तो हमें उससे रिजेक्ट हो जाता है। कोशिश किया था आपने, लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन समझ में सब कुछ आ गया मुझे। आपने जब 4-5 बार आपने बताया कि नॉमिनेशन दाखिल किया है, तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, एक बार भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ ना लोकसभा में ना विधानसभा में। 2 बार विधानसभा और 4थी बार अब ये लड़ रहे हैं लोकसभा, यानी 3 बार लोकसभा आप लड़ चुके हैं। हाँ, अगर 100 साइन अगर हो जाते हैं ना राष्ट्रपति वाले में, तो मैं फील्ड में होता, जैसे मुर्मू जी थे, यशवंत सिन्हा थे, 3रा नंबर मेरा ही था, फिर भी 3रा नंबर मेरा ही है नॉमिनेशन में, क्योंकि इतना साइन किसी का नहीं था। अब आप पाव भाजी बनाते रहिए। देखिए, आपने बिहार से सियासत शुरू होती है ये तो सुना होगा, लेकिन बिहार का बेटा गुरुग्राम में आने के बाद देखिए कैसे मेहनत कर रहा है, और देखिए पाव भाजी बना रहे हैं, सुबह से शाम तक प्रचार करते हैं, फील्ड में जाकर, घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर, और कॉलोनी-कॉलोनी जाकर, और शाम होते ही 5 बजते ही अपने ठेले पर वापस यहीं पर आ जाते हैं, ताकि कुछ कमाई कर सके और कमाई करके अपने घर का पालन पोषण कर सके। इसके अलावा जो ऊपर का थोड़ा बहुत पैसा बचता है उसको प्रचार में भी लगा देते हैं। प्रचार इसलिए कर रहे हैं ताकि ये देश में सियासत का नया रूप दिखा सके, क्योंकि इन्होंने बताया कि मौजूदा सांसद भी काम नहीं कर रहे हैं, 5 साल में एक बार रील बनाने के लिए आते हैं, और इन्होंने कहा कि फिल्म अभिनेता पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री में तो कामयाब हो गए लेकिन सियासत में भी लोगों को पागल बनाकर कामयाब होना चाहते हैं। इसी के लिए कुशेश्वर भगत ने इस बार फिर लोकसभा का पर्चा दाखिल किया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कुशेश्वर भगत को कितनी कामयाबी मिलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। राजेश यादव, ABP लाइव, गुरुग्राम।